शाहरुख खान इज लाइक आपको किस बात की टेंशन है, आप तो चीफ हो. इज लाइक टेंशन तो इतना होता है कि दिन में 4 बार पैंट बदलनी पड़ती है. बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तख्त और ताज. तो इट वाज लाइक हिज ओन जर्नी ही वाज स्पीकिंग थ्रू दैट सॉन्ग. और उससे भी जबर मजा जब हीरो को पता ही नहीं कि उसने हीरो विलन को हरा दिया है और ऑडियंस को और डबल आफ्टर आता है. कुछ भी मतलब. वो फिल्म याद है. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है. आज हम फिर लौट आए हैं. मेरा नाम है निनाद और हमारे साथ है नीलम एंड अरब. और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने एक बॉलीवुड के सुपरस्टार को एक टाइटल दे दिया है और आज तक हम उसी टाइटल से जानते हैं. बल्कि फिल्म थोड़ी अलग है और यू नो सीरियस काइंड ऑफ नहीं है, बट फिर भी ये टाइटल उसको मिल गया इस फिल्म के थ्रू. एंड वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ माई फेवरेट एक्टर बादशाह. Yeah, so today we are discussing Badshah. Welcome to our channel once again. So, जैसे निनाद ने कहा, Badshah is a film that released on 27th August 1999, जिसका मतलब है अभी उसको 25 years complete होने वाले हैं this year, right? और I think directed by Abbas Mastan, the legendary Abbas Mastan, 90s and early 2000 में जिनका दबदबा रहा with thriller movies and stuff like that. So I think इस movie में सबसे बड़ा suspense यही है कि आप पता नहीं लगा सकते कि इस film का genre क्या है. It's all over. It's a comedy. It's drama. It's full of songs, romance. And there is lots going on within one film. And there is so much to look forward to. Easter eggs कह लीजिए, dialogue बाजी and dialogues because we are very 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 long star cast. SRK, Twinkle, Johnny Lever, Rakhi, Sachin Kedekar, Amrish Puri ji, of course, Pankaj Deed, Dinesh Hingu, and Razak Khan, and probably 10-15 other people whom we have seen consistently in the 90s era. So, ritual ko banaye rakhte hue, I'll just start with my first question asking both of you, why Badshah? Badshah, I think, in a true sense, na, Abbas Mastan ki best movie hai. Okay, people call out Bazigar hai, Khiladi hai, Soldier hai, but no one would have thought ke Abbas Mastan might come up with a comedy movie and that too but Shah Rukh Khan jinki pehli movie Bazigar jo itni intense thi. To thoda my experience of watching Badshah na, to I think Shah Rukh Khan had 4 releases in 97. Okay, S-Boss, Pardes, Koila and Dil To Pagal Hai. एंड एस बॉस परदेस कोयला में ना समीर वाज गेटिंग रिपीटेड अपनी बॉस की लड़की के साथ. देन कम्स बादशाह एंड व्हेन बादशाह वाज अनाउंस मुझे लगा था कि यार अब्बास मस्तान के साथ आ रहे हैं. मैंने कहीं तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ा था, मुझे लगा ये थोड़ी क्योंकि आप रिकॉर्ड देखें तो बॉबी डियोल को सोल्जर का टैग लग गया था, अक्षय कुमार को खिलाड़ी का टैग लग गया था और ये सारे मूवीज ना बदले के टाइप में थी. एंड देयर वाज अ रिवेंज एंड देयर वाज अ मां का ड्रामा एंड ऑल दैट. मुझे लगा ये शॉर्ट शॉर्ट होने वाली है एंड शाहरुख खान एज एक्चुअली डिटैच्ड फ्रॉम दीस रोम कॉम्स कुछ कुछ होता है एंड ऑल दैट. और मैं सरफरोश देख के आया हूँ, आई एम लाइक सो कॉन्फिडेंट कि दिस टाइम शाहरुख आमिर खान इज गोना विन बेस्ट एक्टर अवार्ड फाइनली. देन बादशाह कम्स, देन उसका एक लुक आया था जहाँ पे वो गन निकलती है और उसके अंदर से फूल आता है. If you remember, इस तरह के ट्रेलर्स आते थे. Yeah, the same which Ninad is having on his phone. Exactly. तब पता चला कि ये एक्चुअल में ऐसी कुछ थ्रिलर काइंड ऑफ अ मूवी नहीं है, इट्स अ कॉमेडी मूवी. लाइट हार्टेड काइंड ऑफ. लाइट हार्ट एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट बॉक्स ऑफिस आल्सो. जिस तरह प्यार अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी को मिला है उतना प्यार नहीं मिला है बादशाह को. बट बादशाह, हेरा फेरी, अंदाज अपना ऐसी मूवीज है ना, इवन इफ यू आर नॉट fan, forget about not fan of Shah Rukh Khan or even if you're anti-SRK, na, you can't bash this kind of movies. So, Andaz Apna bhi, koi bhi Aamir Khan ka cutter fan bhi hai, wo nahi bolega ki Andaz Apna nahi jami hai. Aur jisko Akshay Kumar pasand hi nahi hai, wo koi nahi bolega ki Hera Pheri yaar bakwas movie hai. To ye thoda, I can't say safe, but because comedy is a serious business. तो ये है, आई वेंट इन विद दैट एक्सपेक्टेशन कि अब्बास मस्तान के साथ बादशाह नाम तो कोई ये डॉन ऐसा कुछ रहेगा एंड ही माइट वॉक अवे विद ऑल द अवार्ड्स अगेन. बट वैसा तो हुआ नहीं क्योंकि वास्तव वन बेस्ट एक्टर अवार्ड संजय दत्त. तो ये एक्सपीरियंस रहा, आई वॉक्ड इन, देन इट्स अ कॉमेडी मूवी. एंड कॉमेडी भी ऐसी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द कॉमेडी मूवीज में क्या होता है, स्क्रीन प्ले किंग होता है. अगर स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है तो गैग्स डाल देते हैं,
नहीं तो डायलॉग्स, ओके नहीं तो डायलॉग्स, क्योंकि गोलमाल 3 में आपको सिर्फ डायलॉग्स ही अच्छे थे, थोड़ी मूवीज में सिर्फ गैग्स, वो कोई कूद रहा है, गिर रहा है, बंदर आ जा रहा है, शेर आ जा रहा है, गैग्स पे पूरा मूवी ड्रैग कर देते हैं, और कभी कभी इतना मजेदार होता है कि वो स्क्रीन प्ले इटसेल्फ लाइक आपको इतना मजा ये कर रहा है, लाइक हाउ इट हैपेंड विद हसीनो मांझी, उसका स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ इतना मजेदार था। तो बादशाह का एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रीन प्ले टू गैग्स टू द डायलॉग्स, बच्चन साहब ने दूसरी शादी कर ली है, दिमाग में रह गया है वो। गायत्री बच्चन, बच्चन साहब ने दूसरी शादी कर ली क्या? वो सारे डायलॉग्स आई एम टेलिंग यू, ओके। और गैग्स भी हैं, चेस सीक्वेंसेस हैं, अननेसेसरी मूवी का लेंथ बढ़ाने के लिए चेस सीक्वेंस भी डालते हैं, एंड द स्टोरी जो इतनी क्या बोलते हैं क्लेवरली उन्होंने लिखी है, और देयर इज नो रूम झुंझुन वाला का वहां पे कनेक्ट कर दिया, बादशाह है, तीन तीन बादशाह है, वो एयरपोर्ट का सारा सीक्वेंस जहाँ पे आप एक सेकेंड के लिए ना आप बाहर जाके अंदर है तो मूवी समझ में नहीं आएगी, ये इस तरह का इसका स्क्रीन प्ले। आई थिंक बादशाह और इस तरह की मूवी में कॉमेडी एलिमेंट्स डालना एंड नैरेटिव को बढ़ाना एंड टुवर्ड्स क्लाइमेक्स में जाके इतना इंटेंस बना देना एंड इवेंचुअली हीरो विंस ओवर अ विलन, सुपर नाइस मूवी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो आई वॉक इन एक्सपेक्टिंग ये मूवी थोड़ी सोल्जर बाजीगर टाइप ऑफ रहेगी एंड बट थी नहीं, वी हैड सुपर फन, थिएटर में देख ली बाय द वे ये मूवी मैंने। या मैंने भी ये फिल्म थिएटर में देखी थी, आई थिंक आई वाज 7 और 8 इयर्स ओल्ड एंड तभी मैं हैदराबाद में हुआ करता था, सो इट वाज अ संडे एंड फैमिली के साथ मूवी देखते थे, तो एक जगह बादशाह लगी थी एंड दूसरे स्क्रीन में हेलो ब्रदर थी, मतलब आजू बाजू में थिएटर्स थे, सो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस बादशाह ही थी मेरी, बिकॉज आई एम अ शाहरुख खान फैन एंड कुछ टिकट मिल नहीं रही थी, सो वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट शो, क्योंकि वो पहला शो हाउसफुल था तो बोल रहे थे कि हेलो ब्रदर देख लेते, बोले नहीं नहीं हम लोग 2 घंटा वेट कर लेंगे बट मुझे बादशाह ही देखनी है, एंड इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि पहली बार शाहरुख खान की आउट एंड आउट कॉमेडी मूवी थी आफ्टर ऑल दोज रोमांस एंड यू नो बॉय नेक्स्ट डोर वाली फिल्म जो आती थी, सो फिल्म देख के मजा आया, कॉमेडी थी, एंड जैसे अभी आपने बताया वो तीसरे बादशाह वाला, तीन बादशाह वाला जो चीज है, तीन बादशाह मूवी का जो फर्स्ट सीन है जो कैसीनो वाला, तो उसमें जो शाहरुख खान की एंट्री होती है बादशाह, तो उसमें भी वो डायलॉग मारता है कि तीन कार्ड्स आते हैं उसमें और ये तीसरा बादशाह कहाँ से आया, तो इट्स लाइक अ फोरशैडोइंग हिंट कि आगे जाके भी थोड़ा सा ऐसा है कि तीन बादशाह के साथ जंबल होने वाला है, तो या मतलब वो एंट्री सीन मुझे बहुत पसंद आया जो स्मोक के साथ आता है, पहले पता नहीं था कि बादशाह इज लाइक अ नॉर्मल डिटेक्टिव, जिस तरह से एंट्री होती है पूरा स्मोक के साथ, गॉगल्स एंड जैकेट पहन के आता है, उसके आजू बाजू में सब सूट बूट में उसके बॉडीगार्ड्स एंड ऐसा स्टाइल में आके बैठता है, फिर बाद में जब नेक्स्ट डे रियलाइज होता है कि उनकी हालत कैसी है, एक थोड़े भी पैसे नहीं उनके पास, आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं नंगा जॉनी लेवल लाइक मैं नंगा आने वाला था यहां पर, देखो ये 100 रुपए रख लो जो करना है करो। बादशाह एक ऐसी मूवी है आई थिंक इट इज लाइक यू नो वेरी अंडररेटेड एंड ओवर द इयर्स, क्योंकि लोग रेफर करते रहते हैं बादशाह को एसआर को एसआर के नाम से एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई थिंक उस मूवी उस हिसाब से भी मूवी काफी फेमस हुई है, एंड सॉन्ग्स कह लीजिए, राइटिंग, डायलॉग्स बिकॉज ऑफ जॉनी लीवर एंड अब्बास मस्तान, बिकॉज वी नो दीज नेम्स एंड दे कनेक्ट एंड मेक अ मूवी, सो मेरी मेमोरी यही रही है वेन एवर इट्स ऑन टीवी आई एम वॉचिंग इट, एंड ओवर द ईयर्स क्योंकि हम लोग ट्विटर में सोशल मीडिया पे डायलॉग शेयर करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ यादें रह जाती हैं, एंड अभी तो ऐसा हो चुका है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इट्स लाइक ऑल सीन्स कैन बी कट इन टू स्मॉल गैग्स, तो उस हिसाब से भी बहुत याद रहता है एरोप्लेन सीन, एयरपोर्ट सीन, एंड आई थिंक इस मूवी में हम लोग ऐसे हीरो हीरोइन का लीड पेयर बोलते हैं, बट आई वुड पर्सनली से कि शाहरुख खान की केमिस्ट्री और जॉनी लीवर की दोनों के साथ में दे वर लाइक मोर अमेजिंग मोर देन द लीड कैरेक्टर्स, एंड अब्बास मस्तान गिविंग अमेजिंग कैरेक्टर्स फॉर जॉनी लीवर एंड स्पेशली राइटिंग फॉर हिम राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म खिलाड़ी up till whatever they have made all through the years until their race films and stuff like that. So as you started saying, talking about the casino scene and how he enters, so Johnny Lever is entering first before Shah Rukh Khan. Wahan pe heere lootne aate hain and Razak Khan is there.
there is so much of technologically gadgets wise, and we need to talk about that. So like when this one also, like, you know, the humor is so abstract. This is not a normal Govinda David Dhawan kind of film. The ek ek do dialogue bol lage hai, jaise ki tum Razak sa, Razak Khan is saying, like, no, tum Manik Chand ko jante ho, to the guy is like, haan, main roz khake thukte hai. And Johnny Lever is looking at these four guys in the casino, ki wo bolte ki hum logo ne in logo ko rakha hai marne ke liye, agar anybody tries to be funny. To wo dekh ke bolta hai ki ye आदमी है या मटन की दुकान, वो चारों लगते भी ऐसे मुश्तंडे टाइप. तो दैट स्टार्टिंग ऑफ वेयरिंग दैट ग्लासेस जिसमें पत्ते दिख रहे हैं, लाइक हु वाज थिंकिंग, आई मीन दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय सो मेनी अदर मूवीज, लेकिन हैट्स ऑफ टू अब्बास मस्तान फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग, लाइक यू नो, उसके लिए भी सेंस चाहिए, उसके लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए, दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट. कि अगर आप कुछ उठा भी रहे हो कहीं से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसका मिश्रण बना के, हाउ यू प्रेजेंट इट इन द देसी सेंसिबिलिटीज. If you look at the filmography, before we move on to discuss the favorite scenes, let's talk about Abbas Masan. Abbas Masan ka ek, jab bhi humne baat kiya hai, to hum bolte hain Abbas Masan, and everyone know ki wo do alag alag hain. To unki last movie jo aayi thi, Machine, to maine aise hi mere colleagues se that discuss kar raha tha ki Abbas Masan ki nayi movie aayi hai, and then kaun hai hero, I think Abbas Masan ka hi beta hai. अब्बास मस्तान दोनों का बेटा किसी पर्सन का है. वो तो इधर अब्बास का बेटा होगा या मस्तान का बेटा होगा ना. तो मैं इतना हंसता हूँ. तो आई थिंक अब्बास मस्तान मेरे हिसाब से ना, आई नो ये बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, यश चोपड़ा के बाद वो एक ही डायरेक्टर है जिन्होंने सारे क्या बोलते हैं अलग अलग मूवीज बना ली, एज इन थ्रिलर भी बना ली है, फैमिली ड्रामा भी बना ली, चोरी चोरी चुपके चुपके में भी थोड़ा फैमिली था, थोड़ा बहुत लास्ट में रोना धोना वो फैमिली गैदरिंग्स वो भी था, कॉमेडी बना ली, सुपर किस किस को प्यार करूं, हाँ, एंड टार्जन द वंडर कार सुपर हीरो का मूवी बना ली, आई थिंक समवेयर दे बीन देयर. और मोर ओवर ना उनकी मूवीज चली हैं, नहीं चली हैं, एवरेज गई हैं, हर एक एक्टर को एक एक जबरदस्त टैग दे के चली गई हैं. अक्षय को खिलाड़ी दे दी, शाहरुख खान को बादशाह बाजीगर दे दी, एंड हु वुड हैव थॉट, जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट समीर एंड सिद्ध एंड दिल चाहता है, एंड जस्ट लुक एट समीर एंड सिद्ध एंड रेस रेस, या तो अच्छे कैरेक्टर्स दिए हैं थ्रू आउट देयर फिल्मोग्राफी ना. आई थिंक समवेयर इवन दे शुड कम बैक, आई थिंक सिंस वी कीप डिस्कसिंग अबाउट के दीस फेमस डायरेक्टर्स, दे शुड कम बैक एंड दे शुड मेक सम गुड मूवीज, एंड दे हैव वर्कड विद ऑल द मेजर एक्टर्स ऑफ दोस टाइम्स, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बॉबी देओल एंड अजय देवगन, सलमान खान, तो उस टाइम के जो भी बड़े एक्टर्स थे उनके साथ काम कर चुके हैं वो. करेक्ट करेक्ट, हमराज इज वन ऑफ देयर. जो भी वो कैरेक्टर लिखते हैं, आई थिंक वो रेस में भी जो उनका छोटा सीन था, ओके, जहाँ पे वो जाते हैं ये बोलता है कि ये आया था एंड ऑल दैट, और वो बोलता है क्या तुम चलोगे हमारे साथ, आप बोलोगे तुम, मैं हम स्केच बनाएंगे, तो जॉनी बोलता है एक काम करो मैं उनकी फोटो देता हूँ, वो फोटो देके आप स्केच बना लेना. सुपर्ब यार, जॉनी लीवर का जो कॉमिक टाइमिंग है वो कमाल का है, मतलब पूरे बॉलीवुड में कमाल है, इट फील्स वेरी नेचुरल. एंड आई थिंक बाजीगर का उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि बाजीगर के लिए उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, सो ही वॉज मोस्टली इम्प्रोवाइजिंग. जो वो दीवार पे कीला टोकने वाला सीन है वो पूरा जॉनी लीवर ने खुद से किया था इम्प्रोवाइज. सो आई थिंक बादशाह में भी काफी जो डायलॉग्स एकदम से आ रहे हैं जॉनी लीवर के, तो वो भी शायद वो खुद के ही होंगे उनके, जैसे बच्चन साहब ने दूसरी शादी कर ली या बच्चन मानिक चंद वाला डायलॉग. वो शायद वो फटा पोस्ट निकला में भी कहीं थोड़ा वो बोलते हैं डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं, डॉक्टर बन गए, आई थिंक ये सारे
the way he says it and the expression that follows before and after, ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही डायलॉग बोल के निकल गए एंड यू जस्ट हैव टू लाफ एट देम और नॉट रिएक्ट टू देम. जैसे एक बहुत ही छोटा सा रेफरेंस है कि ट्विंकल खन्ना को धोखा मिला है एसआरके से एंड शी कम्स टू विजिट एसआरके गिफ्ट के साथ अपने होने वाले लाइक मंगेतर के साथ एंड वो सीन खत्म हो जाता है. ट्विंकल खन्ना इज लाइक तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड देन एवरीबॉडी गोज. झुंझुनवाला कम्स इन एंड ही ऑल्सो गोज. तो जॉनी लीवर इज लाइक पेप्सी पीपी के पेट खराब हो गया यार. तो एक बहुत ही इट्स नॉट इवन वेरी लाउड दिस थिंग यू नो बट वॉट एवर ही सेज इन द लाइक वेरी. तो दो वर्ड का एक डायलॉग है एयरप्लेन के अंदर व्हेन ही स्टेयरिंग एट द एयर होस्टेस एंड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास. वो बोलते हैं वो एयर होस्टेस को देख के अच्छा हम लोग फर्स्ट क्लास में जा वो फर्स्ट क्लास में बैठे एंड देन ही लुक्स एट द एयर होस्टेस ऊपर नीचे लाइक फर्स्ट क्लास. आई थिंक इट्स हिज ब्रेन एंड आई थिंक जॉनी लीवर इज वेरी अंडररेटेड गिवन अब्बास मस्तान प्रोड्यूसिंग थ्रिलर्स एंड हैविंग सो मेनी इंपॉर्टेंट सीन्स लाइक यू मेंशनड बाजीगर. सो मेनी अमेजिंग सीन्स ऑफ जॉनी लीवर नॉट इन डेविड धवन movie or any other comedy movie but in a Abbas Mastan film. So yes, right. I think उनका भी thought process हो रहा होगा कि इतना movie है drama है intense से थोड़ा comic relief भी रखते हैं तो Johnny Lever को लाते थे. इन द पास्ट ऑल्सो ना जहाँ पे भी पुराने मूवीज थे डायरेक्टर्स का अप्रोच ये रहा था कि जब भी मूवी थोड़ा ओवरबोर्ड जा रही है थोड़ा इंटेंस होते जा रही है कॉमिक एलिमेंट डालते हैं और वहाँ पे लिखा जाता था महमूद का कैरेक्टर का एक स्टोरी अलग से आएगा. इफ यू सीन वो स्टोरी से कुछ कनेक्ट नहीं होगा बट अब्बास मस्तान ने उन्हें तो नैरेटिव में ही ऐड कर दिया. तो इफ यू लुक एट खिलाड़ी ऑल्सो जॉनी लीवर ऐसा नहीं कि आया हंसा के चला गया. ही इज देयर थ्रू आउट व्हेन दैट मर्डर हैपेंस और वो सुनाई नहीं देता. आई थिंक वो कुछ तो उसका भी ट्रैक रहता है और बाजीगर ने थ्रॉट देर क्योंकि बाजीगर का जो पूरा वो फोन आता है और वो शाहरुख खान उसे भुला देता है तो दैट कंटिन्यू. ऐसा नहीं कि वो सीन खत्म हो गया उसकी जरूरत ही नहीं थी वो सीन फिर से आता है. अगेन दैट गाय कम्स बैक एंड आस्क्स आपको एक कॉल आया था वो क्या था एंड ऑल दैट. वो कंटिन्यू रहता ही है. एंड सिंस वी टॉकिंग अबाउट बादशाह में तो वो उसकी पूरे ग्रुप के साथ ही ऐसा नहीं है कि जॉनी लीवर आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है. शाहरुख खान का राइट हैंड यू कैन कॉल राइट हैंड एंड 100% आई थिंक हैट्स ऑफ टू जॉनी लीवर. आई थिंक अगर जॉनी लीवर साहब अगर ये पॉडकास्ट दे रहे हैं देख रहे हैं तो थोड़ा थम्स अप दे दो हमें. आई थिंक हमने आपकी बहुत तारीफ की. या वी लव यू वी लव यू. So there is also like the office scene which comes like third or fourth scene, introduction of SRK as a detective agent and जैसे उसकी ऑफिस इंट्रोड्यूस होती है पता नहीं है किसका थॉट प्रोसेस है कहाँ से उठाया है बट एज अ किड फॉर अस इट वॉज न्यू टू सी समथिंग इन बॉलीवुड लाइक यू नो. अगर वो एक्सपोजर नहीं रहा है आपका हॉलीवुड फॉर मी इट वाज देयर वाज नो एक्सपोजर ऑफ हॉलीवुड आई डिडंट यूज्ड टू वॉच एंड सीइंग ऑल दीस गैजेट्स एंड देयर इज वन सुधीर गाय इन द गैंग ऑफ एसआरके सेइंग सीक्रेट डॉक्यूमेंट पे सीक्रेट साइन कर दीजिए तो वो पेन लंबी होती है. फ्लाइंग सोफा इज देयर एंड पता नहीं क्या क्या चश्मा तो है ही है एंड देर आर सो मेनी स्मॉल लाइक यू नो जो बोर्ड बनाया होता है वो टेलीफोन से फोन करना कि बिल गेट्स का फोन आया है एंड ऑल ऑफ दैट. अंबानी से बात कर रहे हैं कभी कभी डॉक्टर बिरला टाटा बिरला अंबानी से हमेशा बात चलती रहती है. हाँ वो ऑफिस की हम बात कर रहे थे शायद वो डॉक्टर आता है उसके आंखों का ऑपरेशन और उसका ये है कि बादशाह इज नॉट मेकिंग एनफ मनी. चलो उसके आंखों की माँ का आंखों का ऑपरेशन और बट द वे उनको लगता है कोई क्लाइंट आया है और इस तरह का बिल्डअप देते हैं वो कि उनको लगा है कोई क्लाइंट आया है एंड देन सारे बैक टू उनके एक्चुअल हालात में आते हैं. वो बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं वी डोंट हैव. और उसके पहले जब पहला वो कैसीनो वाला सीन तो जो हिसाब करते हैं ये ग्लास फूटा और आप ऊपर जम करके आए ये करके आए इतना पैसे बचे हैं और उसको भी किसी को देना था वो देखे कुछ नहीं 100 रुपए कुछ बचे हैं. I think the entire sequence is so funny, so funny. I think let's talk about that aeroplane wala scene. I think both right from boarding to departure to landing, itna funny hai, itna funny hai. I think that's up there. और समय ना मेरे को लगता है मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है जब भी ना पीपल लाइक इट व्हेन हीरो जो है विलन को हराता है ओके तो सबको पसंद आता है विलन हार गया चलो हीरो जीत गया. और मोर ओवर उसमें वहाँ पे कॉमेडी डालो ना तो और मजा आता है कॉमेडी से हरा दिया
और उससे भी जबर मजा जब हीरो को पता ही नहीं कि उसने हीरो विलन को हरा दिया है और ऑडियंस को और डबल आफ्टर आता है, थिंक समवेयर वो जो जूस का जो ग्लास इंटरचेंज शायद को पता ही नहीं होता, थिंक वो अंदाज़ अपना भी वैसे ही सीन था वेर ही स्टार्ट्स प्लेइंग वो जो मोहन बगान का मैच गोल वाला मोहन जन्नत शरबत जन्नत शरबत शरबत किस खुशी में आज रॉबर्ट का बर्थडे बता नहीं आज मेरा बर्थडे था हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट गूफिंग अराउंड मतलब दे देमसेल्फ कि वो एक्टर्स जब खुद पर खुद को इतना सीरियसली नहीं लेते तो आई थिंक बादशाह एंड अंदाज अपना अपना गेट्स मेड तो अंदाज अपना में भी ऐसे ही था कि वो सारे ग्लास लेता है देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग फुटबॉल और उसको पता ही नहीं कि उसने विलन को डिफीट कर दिया है, विलन का पर्पस हैज बीन डिफीटेड कि अभी पता ही नहीं कि किस में वो जहर मिला है। सिमिलर सीन यहाँ पे भी शाहरुख खान मस्त म्यूजिक सुन रहा है, वो ले जाती है एयर होस्टेस, देन द वे ही एक्सप्लेन्स ना, आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल कट्स हैं, एक शॉट में वो सीन गया है, लेफ्ट वाला लेफ्ट मिड है तो राइट से उठाएगा, फिर लेफ्ट मिड फिर खत्म करेगा और राइट में रखेगा, द वे ही क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन एंड समवेयर वो पी के सो जाता है और दे आर थिंकिंग दे हैव अज्यूम कि ये मर गया है, देन ही कम्स बैक रानी अमरीश पुरी के सामने फोन पे तो ये काम उसको गायत्री बच्चन को मारना होता है एंड शी गोज लाइक अब ये काम मोती करेगा रानी ये काम किसी कुत्ते का नहीं है चीफ मोती मेरा कुत्ता नहीं है ये मेरा बॉयफ्रेंड है सो आई मीन डायलॉग्स तो वन लाइनर्स इस पे इतने कैजुअली मारे गए हैं तो आफ्टर द ऑफिस सीन देयर इज आल्सो आई विल कम टू द एरोप्लेन सीन वंस अगेन बट देयर इज वन डायलॉग ऑफ बिटवीन शाहरुख खान्स मॉम एंड द इंस्पेक्टर हु वॉक्स इन उनको मिलने आते हैं इंस्पेक्टर शाहरुख खान की मॉम को शशिकला तो डॉक्टर वहां से जा रहा होता है ही इज लीविंग द हाउस एंड वो टकरा जाता है इंस्पेक्टर से तो इंस्पेक्टर बोलता है ये अंधा कौन है तो उसकी माँ बोलती है आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर है अरे ये आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर है यू नो अंधा कौन है ऑल ऑफ दैट तो ऐसे ही टंकी खाली हो गई है तो उसको टंकी बोल देते हैं तो इट्स लाइक डायलॉग्स में ही मजा कर रहे हैं डायलॉग बाय द लेजेंडरी नीरज वोरा So yeah. he's more with us, but he's there in the movie as a scientific CBI workshop head, research guy. So we love to see him, and so many movies that have been legendary because of his writing. Right. Hangama, Halchal, I think also, and there's so many Hera Feri. Even Golmaal and Hera Feri. Man, I mean the list is very very long. I think so, Hera Feri, उन्होंने direct की थी. गोलमाल का भी जो रोहित शेट्टी की फर्स्ट गोलमाल थी उसका जो प्ले था वो नीरज वोरा ने लिखा था नीरज ने डायरेक्ट किया था वो तो प्ले उसके बाद 2-3 तो हेवीली डिपेंडेंट ऑन फरहाद Yeah, 2-3 was actually lifted from, I have seen the Marathi movies, so उधर से उठाया उधर से उठाया अच्छा and नीरज वोरा का वो famous दौड़ वाला सीन with संजय दत्त and उर्मिला मातोंडकर आपके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी थे It's a never-ending scene. Never-ending. ऐसा लगता है कि बस अपने को ऑडियंस बना दिया है और खुद भी ऑडियंस है कि भाई आगे बढ़ो. What was your story and what are you trying to tell? So his comic timing as well as writing, तो मतलब over the head. I think in some of the David Dhawan movies also we don't see such level of amazing writing. Very very unfortunate what happened with him. I think. Yeah. But I wish he was around and we could see more of his work. Yeah, so we were on the aeroplane scene. वो लोग जैसे वो behave करते हैं आसपास. मोती, so all these are like sitting in. Shahrukh Khan is sitting in first class because he is presumed to be the real Badshah.
और उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो पीछे बैठे होते हैं, तो उसको वो सुधीर सेज की आजकल इकोनॉमिक क्लास को थर्ड क्लास इकोनॉमिक क्लास बोलते हैं. सो दैट इज आल्सो, एंड जब वो लोग बैठने जाते हैं उनको लगता है कि ये प्लेन है, और वो बोलते हैं कि टीटी चॉकलेट बेच रहा है क्या, वेफर भी दे रहा होगा. एंड ही इज लाइक कि एरोप्लेन लोग क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे लड़कियां टीटी होती है, तो बोलती है टीटी नहीं है, टीटी तो अभी आएगा, लाइक खाना गर्म करके लाओ, कोई स्टेशन आ गया तो प्लीज कहीं गाड़ी रोक देना, हमको चाय पानी पीना है, एंड ऑल ऑफ दैट. बोले यहाँ पे फ्री मिलेगा आपको खाना, जब फ्री मिलेगा तो ज्यादा लेके आना, एंड ऑल ऑफ दैट. And Shahrukh Khan's this thing of getting stuff free in the movie. Trolling होता है तो मतलब free है तो दे दो. Chocolates free है तो बाद में और लाना. That is also cute moments, I would say. And even वो जो CBI का आदमी आता है उसको फूल लगा के जाता है. And then he said, then Johnny Lever को धमकाता है वो उधर. उसकी नजर उसी की तरफ रहती है, तो जब भी दरवाजा खोलता है ठीक है मैं इधर हूं, फिर खुद ही बंद करके अंदर चला जाता है. पूरा जर्नी वो बाथरूम में लैंडिंग भी हो गई, वो बाथरूम में था और वो कॉन्फिडेंस में आके बोलता है वो देखता रहेगा मैं निकल के आ गया. वो सुनाता है अपने फ्रेंड्स को कि मतलब वो बड़ा है मारता है टैक्सी में जाने के टाइम पे, वो देखते रहेगा और मैं निकल के आ गया. आई थिंक कॉमेडी सब ठीक है यार, इफ यू लुक एट द स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी ना, इस तरह वो एक्चुअल में बादशाह दीपक तिजोरी है जो ट्विंकल खन्ना का भाई है, यहाँ पे वो सीबीआई वाला जो आया वो उसे फूल लगाने वाला होता है, और उससे पहले जो कॉल आता है वो बादशाह के लिए आता है, और वो बादशाह के जो हेड्स हैं प्रेम चोपड़ा वो दे आर डिस्कसिंग अबाउट सेविंग गायत्री बच्चन, और उनका ऑपरेशन जो रखा है वो माँ ऑपरेशन माँ है, और ये शाहरुख खान अपनी माँ के आंखों के ऑपरेशन के वास्ते एक दूसरे मिशन पे जा रहे हैं, एंड यहाँ पे एक तीसरा बादशाह है जो मोती है. I think hats off to Neeraj Ohra and there's one more writer जो उनके सब कुलाग not able to recollect the name. तो सारा movie जो जोड़ के रखा है, और again वो झुंझुन वाले का भी at one point they come back कि वो कोई fraud थे, वो बाप बेटे थे, ऐसा कुछ था. तो फिर वो नीरज ओहरा को बोल के जाता है कि अगर आप सीमा से बोले मिले तो सॉरी बोल देना, तो वो बोलता है उस समय नीरज ओहरा का भी रिएक्शन ऐसा होता है कि ये क्या बोल के गए, ठीक है. तो सब जो लिंक करते हुए जाते हैं ना, एंड टूवर्ड्स क्लाइमेक्स जहाँ पे वो थोड़ा बहुत इंटेंस है, वहाँ पे भी छोटे बहुत कॉमेडी एलिमेंट्स हैं, वो जो साइन करता है अगेन ही गेट्स इनटू वॉशरूम, और वहाँ पे अक्षय कुमार बन के वो बोलता है कि अक्षय कुमार का भी रेफरेंस है, अरे मैं अक्षय कुमार बन गया क्या, वो देन तो वो दीवार पे जाना. आई थिंक ये बड़े तो एंजॉय करेंगे, अब बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे मूवी. अगर आज की जनरेशन को अगर शाहरुख खान की मूवी देखनी है जो कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है, और जिनको थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि स्क्रीन पे अच्छा ये हो रहा है, आई थिंक दे लाइक. तो आई थिंक मूवी में कंफ्यूजन और अजम्पशंस बहुत सारे हुए, मतलब रैंडमली वो लोग अज्यूम कर रहे हैं विदाउट एनी यू नो क्लैरिफिकेशन. जैसे वो ऑपरेशन माँ का कॉल है तो प्रेम चोपड़ा इज लाइक अज्यूमिंग एवरीथिंग, बोल रहा है कि हाँ क्या बट, और ये तो सीबीआई वाला ही ऐसे सोच रहा होगा, तो उस हिसाब से वो भी सोच रहा होगा वो भी आंसर करता है, इतना अज्यूम कर रहे हैं वो लोग कि या माँ को तुम ही नहीं मैं भी प्यार करता हूँ, पूरा देश प्यार करता है, देश की माँ है. मतलब ये अपना बेचारा माँ का ऑपरेशन करवा रहा है और उसको लग रहा है कि, एंड एंड में वो बोलता भी है कॉल के बाद कितना स्मार्ट आदमी है, देखो आजू बाजू वालों को पता भी नहीं चला, पता लग रहा होगा कि डॉक्टर और पेशेंट की बात चल रही है. एंड इवन आगे जाके अपनी मस्ती में जब वो अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर है चीफ, वो भी जब बात करता है वो बच्ची को बचाने जाता है, एंड उनको लग रहा है कि बच्ची मतलब गायत्री बच्चन, सो बच्ची मेरे कब्जे में, बच्ची मेरे गोद में खेल रही, तो वो भी सोच रहा था बच्चन को बच्चे बोल रहे हैं,
क्या ये बड़ा आदमी बादशाह क्या जादूगर है क्या, जादूगर है कि गायत्री बच्चन उसके गोद में खेल रही है। एंड बिजू खोटे जो चीफ के पास अमरीश पुरी के पास खड़ा होता है, इज लाइक कि आजकल नेता लोगों का भी चाल चलन का कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी मतलब इस मूवी में अगेन सो देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक टू एलिवेट द कॉमेडी, क्योंकि डायलॉग भी इतने दमदार है कि लाइक यू नो यू से एंड यू विल लाफ ऑन देम। तो जैसे कि गायत्री बच्चन एक ऐसा नाम है, we know there is Gayatri and there is Bachchan, like because of Amitabh Bachchan the reference, and Rakhi ji versus Amrish Puri we have seen in so many movies, so many times. Yeah, like I think there are 5-6 movies which they have, like, you know, Rakhi versus Amrish Puri ji. Amrish Puri and both are serious aur beech mein itni sari comedy chal rahi hai. Last tak jab wo Rakhi Gayatri Bachchan ko maarne aa raha hota hai SRK, wo hotel ke andar pura scene chal raha hota hai, wo kaise wo Rose ko pakad ke his carbon copy mein wo paper mein likhte hain, to Pankaj Dheer who is a very serious security guy, he's thinking ki kya likh raha hai, so he throws the paper, hotel ka स्टाफ आपके साथ है, देयर इज सो मच हैपनिंग। वो बाथरूम का सीन जहाँ पे वो जाके बच्ची को बचा के फिर वापस गया था, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, वो बच्ची को बचा के कहीं से निकाल के वो पूरा पजल वाला जो सीन होता है, वो ग्रीन रूम्स होते हैं जहाँ पे वो लोग गिर रहे होते हैं, अगेन लाइक यू नो वेरी इंग्लिश हॉलीवुडिश स्टाफ बट अमेजिंग। एक जैकी चैन मूवी का एक मूवी था आई थिंक, वहां से उन्होंने उठाया था, क्या था, हु एम आई मिस्टर नाइस गाई, आई थिंक देखा है मैंने मूवी, मिस्टर नाइस गाई, वो तो रशा भी रेफर कर रहे थे। हां तो वहां से उठाया है, और क्लाइमेक्स में पूरा होली निक ऑफ टाइम करके भी कोई मूवी है। हां वो जॉनी डेप का, नहीं नहीं वो एक्शन सीक्वेंस नहीं उठाया, वो जो लास्ट में जो होता है ना, जो इज अबाउट टू किल, उसको फ्रेम किया गया टू शूट द पॉलिटिशियन, वो सारा वो जॉनी डेप की मूवी से उठाया गया था। बस ठीक है, मतलब एक सारा मिक्स करके दे दिया, और क्या चाहिए। मतलब भी आते रहता है सोशल मीडिया पे वो दो सीन्स, कि ओरिजिनल सीन ही है या से कॉपी किया, बट हमने एंजॉय कर ली, मतलब वी डोंट वांट टू कंपेयर दैट, कि हमको मजा आ गया हमारे को। लोग अगर बोरी होती तो लोग ऐसे बोलते कि भाई लाइक यू नो व्हाट इज दिस, लाइक व्हाई आर यू अगेन बॉलीवुड कॉपीइंग एंड दिस एंड दैट, सो आई थिंक जब तक अच्छी मूवी बनाई है नोबडी इज कंप्लेनिंग। उस तरह अगर आप देखने जाओ तो लाइक आई कॉल्ड आउट, वो जो ग्लास वाला जो इंटरचेंज हुआ था, वो तो अंदर अपने अपने से था। अगर आज की डेट में हम किसी को मानते हैं, जो आज की डेट में डायरेक्टर यश चोपड़ा के बाद मेरे को लगता है कि गया है अभी गया नहीं है, तो राजकुमार रैना ने का जो मुन्ना भाई का जो सेट था, जो वो ये कर देते हैं हॉस्पिटल बना देते हैं, वो तो बादशाह से लिफ्ट है। अभी आप क्या बोलोगे? हाँ, तो ठीक है यार, तो चल इवन इससे याद है मुझे कि जो ट्विंकल खन्ना वाला पूरा सीक्वेंस स्टार्ट होता, वो अंधाधुन मूवी की याद आती, अंधाधुन मूवी जब देखी थी मैंने तो मुझे वो बादशाह की याद आई थी, बिकॉज अंधाधुन में भी वो पियानो बजा रहा है, एंड वो गाना भी वैसा है कि वो लड़की मिल जाए तो क्या, एंड इसमें वो लड़की जो सबसे अलग है, तो उसको हीरोइन दिखती है, देन हीरोइन उसको हेल्प करती है घर पे पहुंचाती है, देन बारिश आ जाती है, एंड उसमें भी वो राधिका आप्टे चेंज करती है कपड़े एंड ये चाय लेके आता है। So I think बहुत मतलब श्रीराम राघवन is known for you know meta moments अपने फिल्म में Easter eggs डालते हैं। So I think कहीं ना कहीं बादशाह के ये सीन से काफी similarities है। If you watch both the scenes, तो बादशाह और अंधाधुन का वो सीन है ना, काफी चाय लाना या फिर ड्रेस चेंज करना, अंधे होने की एक्टिंग करना, तो वो काफी मैच हो रहा है। I think it's all about the screenplay and the way they present the characters, क्योंकि देखने जाओ तो थोड़े बहुत stories ही हैं। वो थोड़ा रीइंकार्नेशन रहेगा, थोड़ा लव स्टोरीज रहेगा, या थोड़ा बदला रहेगा। हर एक मूवी देख लो, आज के डेट में दंगल को बताया जाता है जबरदस्त मूवी है दंगल, नथिंग लाइक इट, बट अगर आप दंगल में से रेजलिंग को हटा दो तो टेक्निकली स्पीकिंग उसके बच्चे जो हैं वो बदला ही ले रहे हैं, क्योंकि जो उनका बाप नहीं कर पाया था, जो उनका बाप नहीं कर पाया, तो बच्चे बड़े हुए और उसने वो उठाया और वो उन्होंने जाके वो जीता, तो वही स्टोरी होती है अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग इसमें दे कीप रिपीटिंग इट। आई मीन मोर देन दैट ना, व्हाट आई फील इज द पीपल ऑन द ट्विटर, उनको ओवर स्मार्ट दिखना है, कि मेरे को भी देखो क्या मैंने तुक्का मार लिया। अरे तुक्का मार लिया, तो जब चड्डी नहीं पहनता था तब से मूवीज देख रहे हैं। तो आप 10 लोगों को बिठाओ, 10 मिनट में सबको
उखाड़ के फेंक देंगे, कॉन्वर्जेशन का तो बात ही नहीं होता, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में सब डिफीट हो जाएंगे, सिर्फ अलग दिखना है, थोड़ा कूल लगना है, इज व्हाट द आई थिंक अभी हमको ज्यादा पता चल रहा है, बिकॉज पहले जब हम देख रहे थे बादशाह हमको पता नहीं था कहाँ से कॉपी की, अभी इतना एक्सपोजर है, तुम यूट्यूब पे देख लो मिल जाएगा। इफ यू रिमेम्बर साजिद खान का एक शो आता था, साजिद खान फराह खान का भाई, वो पता नहीं इक्के पे का, वो भी दिखा रहा था कि ये सीन यहाँ से उठाया है, ये सीन यहाँ से उठाया है, ठीक है देखा है। एंड वो अगर आपका जो है यू जस्ट नॉट लिमिटेड टू बॉलीवुड, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं रेफरेंस मिल जाता है। अभी उतना दिमाग लगा कि आपका इंटेंशन ही ये है कि मेरे को लाइमलाइट में आना है कि देखो मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया दोनों मूवी का कंपेयर करने का, देन देयर इज नो पॉइंट। अगर आपका एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है तो मत देखो। नहीं अभी तो ये हो गया है ना कि अगर आप पानी भी पी रहे हो तो अच्छा ये तो उस मूवी का रेफरेंस था, तो यू नो दैट इज स्टूपिड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इट इज सो नाइस बैग दैट यू रेफर टू ऑल द हॉस्पिटल सीन्स, एंड दैट ब्रिंग्स अस बैक टू बादशाह हॉस्पिटल सीन, जैसे वो अपने एक घर को ही वो लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऑफिस घर बना रहे हैं। एंड जैसे वो ट्विंकल खन्ना लाते हैं शाहरुख खान को सेइंग दैट कि अच्छा अभी तुम्हारा ऑपरेशन होगा, एंड ऑफ कोर्स उसी के गैंग के मेंबर्स हैं जॉनी लीवर बिकमिंग द डॉक्टर, जिसको बाद में बोलते हैं कि यार मुझे तो कंपाउंडर बनने का आदत है लेकिन मैं पहली बार डॉक्टर बना हूं तो इसलिए मुझे सही से नहीं हो रहा है, ओवर एक्टिंग हो रही है। जैसे आते उल्लू की आंख, गाइस टॉक समथिंग अबाउट दैट, उसके ऑपरेशन अंदर गया वापस ले गया, ये एक बकरे किया गया, कुल्लू किया कि इधर ये दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है। ओके जल्दी करो वरना मुझे भी रात को दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे भी बकरे की आंख है। और उसका हाथ हलते रहता है डग 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 डग, ऐसा हलते रहता है। वो जो एक्चुअल डॉक्टर रुस्तम है उसका भी ऐसा है, तो ही इज कॉपिंग दैट एक्शन आल्सो व्हिच इज सो नाइस। हां दैट वाज रेफरेंस। या और ट्विंकल खन्ना इज लाइक कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, मतलब वो बोलती भी जब वो आते हैं उसके यहाँ पे कि हाँ हाँ हॉस्पिटल आ गया रोक दो तुम्हें कैसे पता हॉस्पिटल आ गया एनीवन घर आता है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने तो कभी देखा नहीं है क्योंकि वो खुद अंधा है, तो इज लाइक अच्छा मैंने तो कभी देखा नहीं ना। या एक गाय के तबेले की खुशबू आती है उसकी वजह से पता चला तुम्हें कैसे पता चला पास में गाय का तबेला है तो वहां से खुशबू आती है, ही स्पेसिफाइज ऑन दैट वर्ड यू नो या कुछ भी। तो या इवन एक और ऑब्जर्वेशन किया था, जब उसकी आंख की पट्टी हटाते हैं वो लोग तो पहले सबसे पहले किसको देखना चाहते हो आप, तो एक आंख खोलो या दूसरी आंख लेफ्ट वाली खोलो या राइट वाली दोनों साथ में खोलो नहीं तो वो आधी आधी दिखाई देगी तुम्हें जो सामने मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को ईस्टमैन कलर बना दिया है। That's what he's saying. And then वो थोड़ा राजेश खन्ना का स्टाइल भी मारता है जब वो आंखें खोलती है सीमा सामने खड़ी है तो सीमा ना तो राजेश खन्ना का स्टाइल मार रहा है उधर ट्विंकल खन्ना के सामने एंड I mean, there are so many characters, small characters like Saurabh Shukla. Shukla is also there, and then Razak Khan, and the Bachi is so over smart, beating up these both of them. And uska bhi kaisa dikhaya hai, jaise uska haircut hai, and you know, cute bachcha who's villain uncle. Usko bhi aaya ho. जैसे वो शाहरुख खान गिरता है वो स्लाइड से तो इज लाइक अच्छा अंकल मजा आया ना, तो इज लाइक हाँ मजा तो आया लेकिन अगली बार तुम आगे रहना उसको लगता है। चलो वो हैप्पी न्यू ईयर में भी वही था ना, हैप्पी न्यू ईयर में भी वो बोलता है कि तुम पहले जाओगे मैं पहले जाऊंगी, वो जब व्हेन दे आर गेटिंग इनटू दैट एसी डक टू गेट इनटू तो बोलता है तुम पहले जाओगे, ऐसा कुछ सीन था वहां पे बोमन ईरानी और ये जब निकलते हैं तुम आगे जाओगे ऐसा। Okay. I think ये कॉमेडी मूवीज में और एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि विलन जब भी होता है वो थोड़ा गोफी कैरेक्टर होता है या थोड़ा सीरियस कैरेक्टर होता है, अब कॉमेडी मूवी विलन के हाथ क्या करवा सकती हो, वो तो अभी टेररिस्ट तो नहीं बन सकता कि इस इलाके में बॉम्बिंग करी या सबको मार दिया या वो अपहरण कर दिया, तो आप अपहरण ही कर सकते हैं, तो बेसिक तो ये रहेगा कि किडनैप ही कर। एवरी मूवी यू पिक अप विच इज अ कॉमेडी जॉनर तो सिर्फ किडनैपिंग पे ही विलन को बोला जाता है तुम यू कांट गो बियॉन्ड दिस थिंग, ओके तुम किडनैपिंग ही करोगे। अंदाज़ अपना में भी इसका किडनैप होता है, हेरा फेरी में भी पूरा प्रोमाइसिस किडनैपिंग के ऊपर ही है, यहाँ पे भी बच्ची का किडनैप हुआ है,
थिंक वो विलन्स को बोल जाता है कि यू कांट गो बियॉन्ड दिस, ये तुम्हारी क्रिमिनल एक्टिविटी में यही थ्रेशोल्ड रहेगा तो तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, सो दैट लाइक वो थोड़ा ये भी ना हो जाए कि थोड़ा मूवी सीरियस हो जाए. एग्जैक्टली, बीइंग अ अब्बास मस्तान कॉमेडी और ड्रामा मूवी बादशाह, देयर इज आल्सो लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स. एज एन ऑडियंस आपको पता चलता है कि ट्विंकल खन्ना का भाई था दीपक तिजोरी जो असली बादशाह मर गया, एंड देयर आर टू थ्री अदर्स की सिक्योरिटी गार्ड्स सारे मिले हुए हैं विलन के साथ उसको मारने में, एंड हु इज द विलन, लाइक स्पॉइलर अलर्ट जिसने अभी नहीं देखी है, देयर विल बी हार्डली एनी पीपल. गायत्री बच्चन के जो हस्बैंड होते हैं वही ही इज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, एंड अमरीश पुरी बीइंग द मेन विलन, तो उसका भी एज यू सेड ऐसा कुछ नहीं है कि वो लास्ट में मरते भी कैसे हैं. क्लब जैसे वो शाहरुख खान को मिलते हैं कि मतलब आपको किस, शाहरुख खान इज लाइक आपको किस बात की टेंशन है, आप तो चीफ हो, लाइक टेंशन तो इतना होता है कि दिन में चार बार पैंट बदलनी पड़ती है. You know, these kind of dialogues, Amrish Puri saying it as a serious person makes it even more funnier, you know, and light and entertaining. I think Shah Rukh Khan ko bhi agar koi troll kar raha hai, jin unko bhi kahin niche dikha raha hai, to he's taking it so sportive. Wo ek scene mein jahan wo kuch kar rahe hain to Johnny aur bolta hai science fans ki hain apne kabhi. ये हमारा थ्रूआउट मेरे इंजीनियरिंग डेज में यही था, कुछ भी हम जब प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं तो साइंस वेंस की है तूने. अच्छा, गैजेट्स के साथ साथ मुझे वो उनके ऑफिस में भी काफी चीजें होती है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी. इवन बादशाह के टेबल पे भी बहुत सारी चीजें होती है क्रिएटिव, मतलब बहुत सारी है, मतलब यू कांट रिमेम्बर मोस्ट ऑफ देम. एक रोबोट है और एक वो जो बचपन में वो कमोड के स्केलेटन, कमोड का स्केलेटन वाला, एंड जो वो जो पेटी देते हैं, बॉक्स देते हैं रिसर्च साइंटिस्ट शाहरुख खान को, थिंकिंग दैट कि ये भी सीबीआई से है, सो ही इज गिविंग, या सो ही इज गिविंग टॉफी, चिपकली जूते, एक्सरे गॉगल्स, एक्सरे गॉगल्स एंड टेक कार जो होती है, सो वो कार तो कमाल की होती है, ही आल्सो यूजिंग देम. ओ वही ना, वही तो अच्छा लगा था कि शाहरुख खान वो यूज भी कर रहा है एंड ही इज डिफीटिंग द विलन्स, और उसको पता भी नहीं कि सब हो रहा है, कोई वहां पे शूट कर रहा है और ये उसको शील्ड की तरह कुछ ये करता है तो वो बच जाता है, और वो कुछ चाहता है तो बाज़ूका की तरह वो रॉकेट तरह निकल जाता है. एग्जैक्टली, वो बस ट्राई कर रहा है कि गाड़ी का विंडो कैसे खोलेगा, वो बटन ढूंढते ढूंढते बाकी सारी चीजें हो रही है. So it's again comedy as a situational comedy, like Shahrukh Khan ko aisa dikhaya hai, he's unke saath ho raha hai and he's play along, he's also like juggling between being an innocent person and being thoda shatir as a detective, wannabe detective, chote mote cases le rahe hai, aur ending bhi kaisa hota hai ki like aaj jitne bhi 100 crore mujhe de do, I am busy with my life partner. इवन अंबानी के साथ दो बार दो तीन बार कॉल होता है शायद, अंबू 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 आई एम टेलिंग यू आई एम बिजी, मतलब अंबू अंबू बोल रहे हैं अंबानी को, एंड दैट टाइम इट वाज धीरूभाई, ही वाज रेफरिंग टू धीरूभाई, धीरूभाई धीरूभाई. देयर वाज आल्सो मैं तो हूं पागल सॉन्ग व्हिच इज सो फनी. अमर बयान में जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, वो जो स्टार्टिंग में कुछ लंबा सा डायलॉग है, I'm not able to recollect, देखो कुछ तो था वो लंबा सा, फिर गाना शुरू होता है इस तरह. ये बीच में भी शाहरुख खान अपनी वॉइस में, अपनी वॉइस में. तो आई थिंक उनका जो नेक्स्ट शो भी कुछ आया था वहां पे भी उन्होंने यूज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्या था वो शो, पांचवी पास में भी शायद वो ऐड किया था उन्होंने. तो गाना चलता रहेगा, बीच में कम्स विद सम मोनोलॉग,
जो कुछ कुछ तो अजीब वर्ड्स डाल के बोलते हैं, आई थिंक वो जबरदस्त रहेगा. अजीब वर्ड्स एंड देन देयर इज द इंस्पेक्टर हु इज डांसिंग अलोंग एंड शी इज वन ऑफ द कोरियोग्राफर्स लेटर, शबीना खान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड शी लाइक ओ क्या ये गालिब की गजल है, गालिब की गजल, लाइक हां लाइक चलो लेट्स डांस. एंड देयर इज अनदर डायलॉग व्हिच ही सेज सॉन्ग के बीच में, एंड देन अनदर गाय सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इज लाइक हां मैंने दूरदर्शन पे सुना है. गाना सबको जरूर सुनना चाहिए, इट्स सो फनी, सो वैकी, so nicely written, it's so funny to hear. And I देखने में भी बहुत, मुझे वो गाना सुन के मुझे पटेल रैप की याद आ गई. Like how we used to write मेरी मर्जी and गैम्बलर का गैम मेरी मर्जी, correct. आई थिंक ये गाना भी ठीक है, बट आई लाइक द टाइटल ट्रैक बादशाह मैं बादशाह. मेरे शाहरुख खान को जो एज अ बॉलीवुड स्टार डिफाइन करता है, तो देयर आर फाइव सॉन्ग्स, आई थिंक वन हैज टू बी दिस बादशाह. और एक यस बॉस का गाना है जान तारे, बस इतना सफा. हाँ वो एक गाना एंड डॉन जो सबसे उसका जो टाइटल ट्रैक है डॉन का, एंड दिस वन सॉन्ग जहाँ पे ना रोमांटिक सॉन्ग है और उसमें लड़की नहीं है. यश चोपड़ा का जो फर्स्ट सॉन्ग है फ्रॉम वीर ज़रा, आई थिंक दैट्स वन ऑफ सुपर्बली डायरेक्टर क्यों हवा. आई थिंक ये थोड़े सॉन्ग्स हैं जो शाहरुख खान के दिखाता है कि ये है उसकी ही लाइफ है. यस बॉस में वो बोल रहा है कि ही इज मैनिफेस्टिंग कि ये सब हो, बादशाह में वो बोल रहा है कि मैं बन गया हूँ सिर्फ रब के सामने मेरा सब झुकता है एंड ऑल दैट ही गोस ऑन. एंड डॉन में तो वो बोलता है विलन जो भी उन्होंने वो इवन आई एम द बेस्ट फिर भी दिल हिंदुस्तानी, एग्जैक्टली दैट्स गोना फिफ्थ सॉन्ग व्हिच आई एम गोना पिक, आई एम द बेस्ट इन टू सेंस ना. वो सारा सीक्वेंस ही जो है वो एल्विस प्रेसली बन जाता है और वो बोलता है कोई ऐसा नहीं. सॉन्ग्स उस पीरियड में आए थे, मतलब यस बॉस से लेके 97 देन 99 2000, उस टाइम पे आई थिंक शाहरुख खान का ग्रोथ हो रहा था, लाइक ग्रोथ हो रहा था एज अ सुपरस्टार. सो राइट टाइमिंग थी उन सॉन्ग्स की भी, जैसे बादशाह आई एंड बादशाह के बाद काफी बड़े बड़े फिल्म आए देन, मोहब्बतें, के3 जी, वीर ज़ारा, एंड बादशाह के बाद उनको एक टाइटल मिल चुका था बादशाह का, एंड देन वो सुपरस्टार जोन में आ गए थे. एंड वो लाइन बादशाह की भी पसंद है मुझे, क्या बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तख्त और ताज. तो इट वाज लाइक हिज ओन जर्नी ही वाज स्पीकिंग थ्रू दैट सॉन्ग जो चली आ रही है, स्पीकिंग थ्रू दैट सॉन्ग. So, yeah. I like अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह. I love that. I think these five songs ना, ये वीर ज़ारा, यस बॉस, डॉन, बादशाह एंड अपना फिर भी दिल इंसानी, आई थिंक ये सारे टॉप फाइव सॉन्ग जो इनकी सारी जर्नी को डिफाइन करते हैं कि लुक एट हिम ही इज देयर इन ट्रू सेंस इज एंड इट्स कम बैक. आई थिंक एक एपिसोड ही कर सकते हैं इफ वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट शाहरुख खान्स कम बैक. And he have a song for his fans also, na? Jabra fan for his fans. Yeah. It's very sweet of him. Like you know, not everybody thinks of that. We have, he's a superstar, Shahrukh Khan. But there are so many others also. But not all of them have dedicated a song to their, especially to their fans, and promoting in the way it was promoted, fan. You know, so I like that movie. Yes. Whenever he has tried something else now, so unfortunately wo movies nahi chali hain. Beat Phir Bhi Dil Hindustani, aaj ke date mein wo cult bolte hain, and similarly with Ravan le lo ya Ashoka le lo, to ye raha hai. To somewhere Swadesh, yeah Swadesh, to somewhere he was restricted to doing this rom-com, but thankfully Farah Khan ने थोड़ा एक्सप्लोर किया एक्शन में डाल के, मैं होना में और ओम शांतियों में थोड़ा रिवेंज ड्रामा डाल के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कोई दूसरे डायरेक्टर्स का इतना उनका ज्यादा एक्सप्लोर. आई थिंक ही शुड ठीक है, बट आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज डूइंग व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू. ही इज बीन डूइंग एक्शन मूवीज विद पठान, जवान, एंड नेक्स्ट इज किंग विद हिज डॉटर सुहाना. सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू. या सेम, बट आई एम स्टिल होपिंग फॉर अ बादशाह लाइक फिल्म अगेन. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बादशाह वाले जोन में जा सकती है फिल्म, क्योंकि गो गो अगोन टाइप की मूवी बनने वाली थी, एडवेंचर कॉमेडी कुछ. सो आई जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ बादशाह एंड मिला कि यार राजेंद्रिके के साथ काम करनी चाहिए. आई डोंट नो वो प्रोजेक्ट कब हो रहा है या नहीं, बट आई रियली विश इट हैपेंस.
ऐसा नहीं कि किसी ने बादशाह नहीं देखी है, अगर नहीं देखे तो प्लीज डू वॉच, इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट मूवी एंड शाहरुख सुपर परफॉर्मेंस, सुपर सॉन्ग्स एंड डोंट हैव एनी मोबाइल मोमेंट्स के चलो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सीन से लिंक्ड है, तो यू हैव टू बी ग्लूड टू योर टीवी स्क्रीन्स व्हाइल वाचिंग बादशाह. एंड इवन आई लाइक ट्विंकल खन्ना इन दिस फिल्म. जब भी फिल्म वापस दोबारा अभी देख रहा था रिसेंटली, तो मुझे लगा कि यार आजकल कितने सारे एक्ट्रेसेस है उससे तो बेटर ही थी ट्विंकल खन्ना, तो शी शुड हैव कंटिन्यूड लाइक बीच बीच में. आप लोगों को मजा आया होगा एंड हम लोग दो एपिसोड ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, विजयपथ एंड कर्मा. यू कैन चेक आउट इन अवर चैनल. And as Ninad would also say that, please let us give us some feedback if you have, and which movie are you looking forward to? I think शायद अगर आपने विजयपथ या कर्मा भी नहीं देखी होगी तो बादशाह तो for sure 1999 में release हुई है, and I'm sure many people will be able to connect with it. And we look forward to hear from you and join us in this journey, as I always say. Thank you. तो बादशाह मैंने अभी रिसेंटली वापस रिविजिट की है, हमेशा जब भी टीवी पे लगती थी हमेशा देखता था, एंड अभी जब देखी तो उतने ही मजा आया देखने में, उतना ही लाफ्टर आया सीन्स में. सो इवन इफ यू वॉच अगेन एंड अगेन फिर भी वो हंसी आ ही जाती है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये जो पुराना हो गया. सो आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म कि आप कब कितने भी बार देख लो यू जस्ट हैव दैट लाफ्टर इन यू. एंड या जो लोग कहते हैं कि शाहरुख खान इज अ रोमांटिक एक्टर, सिर्फ रोमांस हाथ फैलाता है, इस फिल्म में उसने हाथ भी नहीं फैलाया है, इस फिल्म में उसने रोमांस भी किया है, बट मोर ऑफ दैट ही उसकी कॉमेडी थी, कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी एंड एक्शन के साथ कॉमेडी की है. सो दोज़ हू थिंक दैट ही इज जस्ट अ रोमांटिक एक्टर या फिर अभी सिर्फ एक्शन कर रहा है, तो दे शुड वॉच बादशाह. इट्स अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड एक्शन एंड इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म थैंक्स टू अब्बास मुस्तान, जो बाजीगर एंड बादशाह दो आइकॉनिक फिल्म दिए शाहरुख खान को जिन्होंने. सो या 25 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उस ओकेजन में आप बादशाह देखिए एंड उसके बाद हमारा ये वीडियो वापस देखिए. सो यस दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस, सी या इन अवर नेक्स्ट एपिसोड. यो सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे.